नमस्कार दोस्तों, मैं निखत बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। क्या आप दूध पीते हैं? आपको खड़े होकर दूध पीना पसंद है या फिर बैठकर? अक्सर होता है कि जब हमें जल्दी होती है तो फटाफट दूध का गिलास उठाते हैं और उसे गटगट करके पी जाते हैं, लेकिन जब आप फ्री होते हैं तो आप बैठकर ही दूध पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों में से दूध पीने का सही तरीका कौन सा है? अक्सर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि किस स्थिति में दूध खड़े होकर पीना चाहिए, खड़े होकर पीना चाहिए या फिर बैठकर। दरअसल आपके दूध पीने का तरीका ही आपकी सेहत को काफी हद तक प्रभावित करने का काम करता है। तो आइए जानते हैं क्या है दूध पीने का सही तरीका, जिससे मिल सकते हैं आपको ज्यादा फायदे। किस पोस्चर में पिए दूध? हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक जब भी आप दूध पिए तो कभी भी बैठकर दूध ना पिए, क्योंकि ऐसा करने से दूध आपके संपूर्ण शरीर तक नहीं पहुंचता बल्कि आधे हिस्से में ही फैल पाता है, जिससे शरीर के सभी अंगों को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए सिटिंग पोस्चर को हमेशा स्पीड ब्रेकर के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब आप खड़े होकर दूध पीते हैं तो दूध आपके सभी अंगों तक पहुंचता है और इससे आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। खड़े होकर दूध पीने से शरीर के सभी अंगों को जरूरी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। बैठकर दूध पीने से क्या होता है? अगर आप खड़े होकर दूध पीते हैं तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब आप बैठकर दूध पिएंगे तो दूध के पोषक तत्वों को सभी अंगों तक पहुंचाने में बाधा आएगी और दूध हमारे शरीर के एसोफेगस के निचले हिस्से में रुक जाएगा। इसी वजह से आपको गैस्ट्रोफेगल रिफ्लक्स सिंड्रोम जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिसे अंग्रेजी भाषा में GERD भी कहा जाता है। कैसे पिए बैठकर दूध ताकि ना हो दिक्कत? अगर आपके बड़े बूढ़े कह रहे हैं कि बेटा बैठकर दूध पियो, तो आपको उनकी बात को नजरअंदाज ना करें। बस ये तरीका आजमाएं ताकि आपको जरूरी पोषण प्राप्त हो। आप दूध को जल्दबाजी में एक बार में ही ना गटक जाएं, बल्कि छोटे छोटे घूंट लें। इस तरीके से दूध पीने पर आपको पेट की किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से दूध पीने पर आपके पेट में ऐठन भी नहीं होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।